हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम देखेंगे डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा ये टर्म्स न्यूज़ में रहती है और यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। देखो, डिजिटल करेंसी की बात करते हैं। डिजिटल करेंसी क्या होती है, आप एक तरीके से ऐसे समझिए, पेटीएम आप इस्तेमाल करते हैं तो आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन रुपीज़ में, डॉलर्स में, तो वो डिजिटल करेंसी हो जाती है। यानी ये डिजिटल करेंसी जो होता है, इसका इस्तेमाल आप, ये बेसिकली फिजिकल करेंसी जो होती है आपकी, उससे बिल्कुल अपोजिट होती है, लेकिन लीगल टेंडर होती है। यानी इसको आप आराम से यूज कर सकते हो मार्केट्स में, कुछ बेचने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। लीगल टेंडर है, इसको सेंट्रल बैंक कंट्री की मान्यता देती है कि हाँ, आप इसको मार्केट में आओ, यूज़ कर सकते हो। एक तरीके से बैंक डिपॉजिट हो गया ना आपका। आप पेटीएम से, फ़ोनपे से, गूगल पे से या किसी भी प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल करते हो, जब भी ट्रांजैक्शन करते हो तो डिजिटल करेंसी के लिए करते हो। एक ख़ास बात ये समझो कि वो सेंट्रलाइज्ड होती है। डिजिटल करेंसी सेंट्रलाइज्ड होती है, यानी कि इसको कंट्रोल करने वाली एक सेंट्रल बैंक होती है। नॉर्मली डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी भी होती है, जिसकी हम बात करेंगे, लेकिन नॉर्मली डिजिटल करेंसी जो होती है वो रेगुलेटेड होती है और सेंट्रलाइज्ड होती है। रेगुलेटेड भी होती है, अनरेगुलेटेड भी होती है, सेंट्रलाइज्ड भी होती है और डिसेंट्रलाइज्ड भी होती है। आरबीआई रुपीज़ को पूरी डिमांड सप्लाई, पूरी सप्लाई कंट्रोल करके चलता है। सेंट्रलाइज्ड है, रेगुलेटेड है, तो ये डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है वर्चुअल करेंसी। पहले क्या करके समझेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। वर्चुअल करेंसी डिजिटल करेंसी का एक पार्ट है। डिजिटल करेंसी है, उसमें ही वर्चुअल करेंसी आती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गेम खेल रहे हो, गेम में आपने टोकन कमाया, कॉइन्स कमाए, कॉइन्स बोलते हैं ना जनरली, उन कॉइन्स का इस्तेमाल आप ऐप को प्रीमियम बनाने में कर सकते हो, कुछ गेम के अंदर ही कुछ खरीदने के लिए कर सकते हो, गेम के अंदर ही, गेम में इस्तेमाल कर सकते हो कोई उसका ही कोई टूल खरीदने में, समझ रहे हो ना। पबजी खेला है आपने तो उसमें देखा होगा आपने जो टोकन्स आते हैं, कॉइन्स आते, तो कई देखा होगा प्लेटफॉर्म पे आपने वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी आपकी लीगल टेंडर नहीं होती, यानी आप इसका इस्तेमाल खरीदने के लिए, बेचने के लिए मार्केट में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये लीगल टेंडर नहीं होती। लेकिन ये कन्वर्टेबल भी होती है, नॉन कन्वर्टेबल भी होती है। यानी वर्चुअल करेंसी से आप सीधे खरीदने नहीं जा सकते कुछ मार्केट में कि किसी को वर्चुअल करेंसी दे दो। डिजिटल करेंसी से कर सकते हो, पेटीएम से ट्रांजेक्शन करते हो आप दुकान पर जाके, तो वो सीधी किससे ट्रैक होती है, वो रुपीज़ ही, वो रुपी की वैल्यू ही होती है। तो सीधे आप ऐसे मान लो बैंक डिपॉजिट ही है आपका, सीधे आपने ट्रांजेक्शन कर दिया बैंक से। वर्चुअल करेंसी में ऐसा नहीं होता, सीधे वर्चुअल करेंसी से आप नहीं कर सकते। लेकिन वर्चुअल करेंसी अगर कन्वर्टेबल है, कुछ होती है नॉन कन्वर्टेबल, कुछ होती है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल क्या होता है कि वर्चुअल करेंसी को आप कन्वर्ट करा लो रियल करेंसी में, यानी आपने वर्चुअल करेंसी दो कॉइन है उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करा लिया। अब वो कॉइन की रुपीज़ में क्या वैल्यू होगी वो डिसाइड हो रखी होगी, वो क्यों होगी, वो जो होगी वो जिस हिसाब से होगी वो बात की बात है, लेकिन कन्वर्टेबल होगी। तो वर्चुअल करेंसी से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते आप, कन्वर्ट करा लो रुपीज़ में, फिर रुपीज़ से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल है तो वर्चुअल करेंसी को उसी प्लेटफॉर्म के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस प्लेटफॉर्म के अंदर वो क्रिएट हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी। वर्चुअल करेंसी में भी सेंट्रलाइज्ड होती है, नॉन सेंट्रलाइज्ड होती है, डिसेंट्रलाइज्ड होती है। वर्चुअल करेंसी मान लो जैसे आपकी जो कंपनी है, जो गेम की जो कंपनी है, जो गेम इस्तेमाल कर, जिसका गेम आप इस्तेमाल कर रहे हो, खेल रहे हो, वो इस वर्चुअल करेंसी को रेगुलेट करती है, कितने कॉइन्स होंगे, कितने टोकन्स होंगे और कितने ज़्यादा जो है कम मिलेंगे आपको। तो ये सेंट्रलाइज्ड होती है। डिसेंट्रलाइज्ड कैसे होती है बताऊँगा। तो अभी आप समझो सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है, कोई एक एंटिटी, सिंगल एंटिटी उसकी सप्लाई कंट्रोल कर रही हो। तो डिजिटल करेंसी यानी रुपीज़ की सप्लाई भी कंट्रोल होती है, वर्चुअल करेंसी कोई कंपनी के जरिए कंट्रोल होती है, लेकिन डिजिटल करेंसी लीगल टेंडर होती है, सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन इसको जो है कंट्रोल करके रखता है। वर्चुअल करेंसी में भी सेंट्रलाइज्ड हो सकता है लेकिन लीगल टेंडर नहीं होती, इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा तब जाके आप दुकान पर कुछ जाके खरीद सकते हो, बेच सकते हो। इसके बाद आती है क्रिप्टो करेंसी। देखो एक बात समझो, सारी जो डिजिटल, ये जो डिजिटल करेंसी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर की
सारी वर्चुअल करेंसी डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है, सारी वर्चुअल करेंसी डिजिटल करेंसी होती है, लेकिन सारी डिजिटल करेंसी वर्चुअल करेंसी नहीं होती। ये जो ऐसे मान लो ये करेंसी हैं कुछ, ये कुछ टाइप की करेंसी हैं जो सेंट्रलाइज्ड हैं, वर्चुअल करेंसी के बाहर की बात करूँ तो मैं, जो सेंट्रलाइज्ड हैं, लीगल टेंडर हैं। डिजिटल करेंसी में कुछ करेंसी ऐसी होगी जैसे कॉइन्स, टोकन्स, जो गेम पे आप इस्तेमाल करते हो, जो लीगल टेंडर नहीं होती, वो कौन सी हो जाती है आपकी? वर्चुअल करेंसी हो जाती है आपकी, ठीक है, वो आपकी वर्चुअल करेंसी हो जाती है। इसके अंदर आती है, वर्चुअल करेंसी के अंदर ही आती है, डिजिटल करेंसी के अंदर वर्चुअल करेंसी, और वर्चुअल करेंसी के अंदर क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि वर्चुअल करेंसी में तो होता क्या है कि आपको सब दिखाई देता है कि कितना जो है यहाँ पे आपको, मतलब एनोनिमस नहीं होती कोई चीज़, समझ रहे हो ना, और ये सेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है, यानी इसको कंट्रोल, इसकी सप्लाई कंट्रोल करने वाली एक कंपनी भी हो सकती है, सिंगल एंटिटी भी होती है, जो गेम चला रही है कंपनी वो देख सकती है कि आपको कितना टोकन मिलना चाहिए, कितने आपको कॉइन्स मिलने चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं होता, कंट्रोल करने वाली कम्युनिटी होती है। अपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, ये बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन यही तो होता है, इसको कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशन थोड़ी कंट्रोल करके चलता है। पब्लिक ट्रांजेक्शन होते हैं इसके, एनोनिमस होते हैं, ट्रांजेक्शन दिखाई देते हैं लेकिन ट्रांजेक्शन करने वाला दिखाई नहीं देता, और कोई इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं करता इसकी सप्लाई। होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं और वो इनको क्रिएट करते चला जाता है। अगर मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, हर कोई इस बिटकॉइन को आप छाप सकते हो क्या? रुपया नहीं छाप सकते ना, लेकिन क्रिप्टो करेंसी आप छाप सकते हो अगर आप सुपर कंप्यूटर ले आओ उसके हिसाब से, और क्रिप्टो करेंसी आप छाप सकते हो, उसमें आपको कुछ, आपको उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, लेकिन हर कोई क्रिप्टो करेंसी छाप सकता है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड है, इसकी सप्लाई किसी सेंट्रल एंटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब समझ में आ गया आपको? क्रिप्टो करेंसी में चीज़ें एनोनिमस होती हैं, सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी भी लीगल टेंडर नहीं होती, क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं होती, बिटकॉइन जैसे आपका लीगल टेंडर अभी नहीं है, क्रिप्टो करेंसी की कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, समझ रहे हो ना, जो जनरली मैं बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी का कोई लीगल टेंडर नहीं होता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी वर्चुअल करेंसी के अंदर ही तो आती है भाई। वर्चुअल करेंसी एक तरीके से लीगल टेंडर नहीं होती, तो क्रिप्टो करेंसी जो वर्चुअल करेंसी की आती है वो अंदर आती है, वो कैसे हो जाएगी? लेकिन वर्चुअल करेंसी सेंट्रलाइज्ड भी होती है और डिसेंट्रलाइज्ड भी होती है, और जो डिसेंट्रलाइज्ड होती है वो क्रिप्टो करेंसी कहलाती है, और जो सेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी होती है वो बाहर वर्चुअल करेंसी कहलाती है, सिंपल, ठीक है। सारी क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी भी होती है, और सारी क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी भी होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी वो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी वो डिजिटल करेंसी होती है जो सेंट्रलाइज्ड नहीं होती, अनरेगुलेटेड है, वो लीगल टेंडर नहीं है। अगर सेंट्रलाइज्ड भी है, लीगल टेंडर भी है, और रेगुलेटेड भी है, तो डिजिटल करेंसी हो जाएगी। और अगर वो रेगुलेटेड नहीं है और लीगल टेंडर नहीं है लेकिन सेंट्रलाइज्ड है, तो वर्चुअल करेंसी हो जाएगी, ठीक है। और सेंट्रलाइज्ड भी नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी एक के पास कंट्रोल नहीं है, लीगल टेंडर भी नहीं है, और कन्वर्टेबल भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिप्टो करेंसी हो जाएगी। तो लीगल टेंडर सिर्फ डिजिटल करेंसी का रहता है, वर्चुअल करेंसी का नहीं रहता, और ना क्रिप्टो करेंसी का रहता है, ठीक है। और वर्चुअल करेंसी में भी किसी का लीगल टेंडर नहीं रहता, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी होती है, यानी वो उसका कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं होता जो उसको कंट्रोल करके रखता है, उसको क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ समझ में आ गया होगा आज कि कैसे जो है ये सब काम करते हैं। मैं अब इस अच्छी तरीके से अब इन वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिएगा, समझ में आ रहा है ना, ये कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल का समझ आ गया। वर्चुअल करेंसी में कन्वर्टेबल भी होती है, नॉन कन्वर्टेबल भी होती है, लेकिन वर्चुअल करेंसी को डायरेक्ट आप लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, कन्वर्ट करा लो। क्रिप्टो करेंसी को भी आप जो है यहाँ पर डायरेक्ट लीगल टेंडर के इस्तेमाल नहीं कर सकते, कन्वर्ट कराने के लिए कोई अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ने कोई उपाय बता रखा है, कोई मीडियम बता रखा, करा सकते हो, डायरेक्ट लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि पेटीएम से क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर दिया, वर्चुअल करेंसी में पेमेंट कर दिया, गेम में 200 कॉइंस कमा लिए तो उसको बैंक में जाकर डिपॉजिट कराया, ऐसा कुछ नहीं होता। डिजिटल करेंसी में होता है, जो मतलब ये भी दोनों डिजिटल करेंसी है, लेकिन अगर ये लीगल टेंडर हो जाती है तो फिर ये बाहर डिजिटल करेंसी में ही आ जाती है, ये इसके अंदर जो है वो अनरेगुलेटेड है, लीगल टेंडर नहीं होता इनका। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता देना, मैं और अच्छे से कमेंट बॉक्स में समझा दूंगा। धन्यवाद।